हेलो गाइज, मेरा नाम सोंग, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे Xiaomi की तरफ से कैमरा एप्लीकेशन का अपडेट निकल गया, जिसमें आपको कुछ फीचर देखने को मिलते हैं। हालांकि कैमरा एप्लीकेशन के बहुत कम अपडेट निकल के आते हैं, लेकिन आज भी अपडेट निकल गया, इसमें कुछ फीचर देखने को मिलता है। लेकिन ये नहीं बता सकता कि इंस्टॉल करने के बाद वो लेआउट आप में चेंज होगा कि नहीं होगा। किसी किसी फोनों के अंदर लेआउट चेंज हो रहा है, किसी किसी फोनों के अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे तो कैमरा एप्लीकेशन के बाकी सारे फीचर वर्क करते हैं, लेकिन लेआउट किसी किसी फोन में वो चेंज हो रहा है, तो वही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फोकस कर ले भाई, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं, और 200 लाइक देता हूं, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आगे वीडियो में बताने से पहले आपको बता दूं कि काफी लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि बैक टैब वाले फीचर को किस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके काफी सारे कमेंट आते रहते हैं, तो ये फीचर मैंने काफी ट्राई किया। ये फीचर ना कई इस फोन में तो ऑफिशियली देखने को मिलता है, इसकी सेटिंग फाइल मैंने दूसरे फाइल में भी बदल के देखी तो भी ये वर्क नहीं कर रहा। ट्रिक इसके लिए कोई ट्रिक जल्दी निकल के आती तो मैं जरूर से बताऊंगा। सेटिंग फाइल मैंने इंस्टॉल करके देख ली, बाकी और भी कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन होती है वो भी मैंने इंस्टॉल करके देखी, तब भी किसी फोन के अंदर वर्क नहीं कर रहा। जिसमें ऑफिशियली देखने को मिलता है उसी में देखने को मिल रहा है, बाकी अभी सेट एडिट से चेक करने की बात है। सेट एडिट में कुछ मिल जाता है, कोई ट्रिक उसके थ्रू ही अनेबल हो जाता है, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो सिंपली आपको देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन को, लेटेस्ट वर्जन पे आपको अपडेट वगैरह करना पड़ेगा। आपको दिखा देता हूं ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन है, तो ये है हमारा कैमरा एप्लीकेशन 4.5 का ये वर्जन आपको देखने मिलता है। कई फोनों में 4.5 पहले से ही ऑलरेडी, तो कुछ फीचर तो उनमें ऑलरेडी एक्टिवेट होंगे और कई नहीं होंगे, ठीक है। और 4.3 है ज्यादातर से फोनों के अंदर। तो ये देखते हैं कैमरा एप्लीकेशन है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका डाउनलोड लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा वॉच करना, देन अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम हो जाते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। कैमरा एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे मोर सेक्शन के अंदर। मोर सेक्शन में देखेंगे, देखते हैं कुछ इस प्रकार का हमें लेआउट देखने को मिलता है, कुछ कलरफुल लेआउट। अब ये वाला लेआउट होना किसी किसी फोन के अंदर इनेबल हो रहा है, किसी फोन के अंदर नहीं अनेबल हो रहा, तो ऐसा मत बोलना नहीं अनेबल हो रहा तो यार आपने गलत बनाई। किसी किसी फोन के अंदर वर्क कर रहा है, किसी फोनों के अंदर नहीं कर रहा, तो वो चेकआउट करके आप बता देना आपके फोन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे कि मेरा दूसरा डिवाइस है, इसमें वर्क ही नहीं करता, जैसे कि इसके अंदर भी मैंने इंस्टॉल किया, इसके अंदर ये पुराना ही लेआउट देखने को मिलता है जो हमारा इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आप बताना आप में ये नया लेआउट वर्क किया कि नहीं किया, ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। देखते हैं, मेरे पास एक दो डिवाइस और है, मतलब कुछ जो हाई एंड डिवाइस है ना उन्हीं के अंदर ये लेआउट वर्क कर रहा है, बाकी डिवाइसों के अंदर नहीं कर रहा, तो आप बताना आपके में ये वर्क किया कि नहीं किया। नेक्स्ट कुछ मैं बात करूं इस अपडेट के अंदर, जैसे कैमरा के सेटिंग में, कैमरा में सेटिंग में जाने के बाद यहां पे आपको दिखा दूं वॉइस सेटर वाला फीचर इसमें नहीं देखने मिलता। एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी एक दो महीने पहले, उसमें उस कैमरा एप्लीकेशन में क्या था, वॉइस सेटर वाला फीचर था, लेकिन इसके अंदर वो चीज आपको नहीं देखने मिलती, वो चीज इसके अंदर रिमूव है। और जैसे कि ये चीज आपकी रिमूव नहीं हुई, डायरेक्टली इसे आप जूम कर सकते हो। कई फोन जो नए फोन आ रहे हैं उसमें तो 4.5 भी है, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का है 4.5, ठीक है, ये चीज। और जिनमें 4.3 है उनके लिए थोड़ा नया हो सकता है, यहीं से डायरेक्टली आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपको जूम करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये जिन फोनों में 4.5 था उनमें तो ऑलरेडी था, जिनमें 4.3 था तो इसको अपडेट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप में जो भी वाटरमार्क लगाना है डॉक्यूमेंट में वो आप लगा सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाता है। और कुछ मैं बात करूँ इस अपडेट के अंदर, और कुछ जैसे कि यहाँ पे मोर सेक्शन के अंदर जाएंगे, मोर सेक्शन में जो ब्लॉग मोड होता है ना, ब्लॉग मोड में एक दो नए फिल्टर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं मेरे को। देखते हैं कुछ इस टाइप में नए फिल्टर एक दो एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, जिन्हें आप चेकआउट वगैरह कर सकते हैं। आप में बताया नया ब्लॉग मोड आया कि नहीं आया, हो सकता है किसी किसी फोन में आए, किसी किसी फोन के अंदर ना आए, जिनका आ जाए ठीक है। हो सकता है आपको 13.1 का ऑफिशियल अपडेट है ना, जब तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, कई फोनों में इंस्टॉल करने के बाद भी आ जाएगा। तो हम जाते हैं वापस से ब्लॉग मोड, कहाँ गया भाई ब्लॉग मोड, यहाँ पे देखते हैं ये वाला एक नया है। ये तीनों ये चार पाँच शुरू वाले हैं ना, ये वाले को नए हैं, बाकी सारे आपको ओल्ड वाले देखने को मिलते हैं जो सभी फोनों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ फीचर आपको देखने को मिलते हैं। मैं कुछ आपके डिवाइसों के नाम ले देता हूँ जिसके अंदर ये लेआउट वर्क नहीं करता, उसमें आप डायरेक्टली इंस्टॉल ही मत करना, जैसे कि Redmi Note 10 हो गया, 11 हो गया, 10 Pro हो गया, इन डिवाइसों में तो मैंने इंस्टॉल करके देख लिया उनमें ये लेआउट नहीं इनेबल होता। बाकी कुछ डिवाइस आप चेक कर लेना, उनमें हो सकता है इनेबल हो जाए, अगर अनेबल हो जाए तो ठीक है, ना अनेबल हो तो यहाँ से सेटिंग में जाके इसको इंस्टॉल अपडेट कर दीजिएगा, वापस ही आपके नॉर्मली कैमरा जैसे एप्लीकेशन था वैसे के वैसे ये हो जाएगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।